हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तीन पत्ते मार्शमेलो क्रैश गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ किसे कैसे खेलते हैं। तो उसमें ये एक रॉकेट उड़ता है ऊपर को, और जितनी ऊंचाई तक ये जाता है उतना गुना हमें पैसे मिलता है जो हम बेट लगाते हैं उसका। तो आपको मैं अभी आपको बेट भी लगा कर दिखाऊंगा इसे कैसे खेलते हैं। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिस मिल सके, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो आप इसमें एक बार ये जरूर देख लें कि ज़्यादातर रॉकेट कहाँ तक जा रहा है। तो देखो, एक बार गया बस 19.5 तक, बाकी 2, 3, 4 पर ही फट रहा है और ज़्यादातर नीचे ही जा रहा है। तो हमें जल्दी कैश आउट करना होगा इसमें। तो इस बार मैंने देखो 100 रुपये लगा दिए, तो देखते कहाँ तक जाता है और मैं जल्दी ही कैश आउट करूँगा। तो देखो 1.29 पर मैंने कैश आउट कर लिया है और मुझे उम्मीद नहीं थी ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो मैं जल्दी ही कैश आउट कर लिया है। तो ये 1.88 पर फट चुका है, और हम कैश आउट नहीं करते तो हमारा सारा लॉस हो जाता। तो आपको भी गेम की शुरुआत में जल्दी ही कैश आउट करना है। तो इस बार देखो मैंने फिर से 100 रुपये लगा दिए, इस बार देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कैश आउट जल्दी करूँगा। आप इसमें जितना ज़्यादा रिस्क लगोगे उसमें उतना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क तभी लेना है तो पहले आप इसमें बिनिंग कर लो। तो इस बार मैंने फिर से देखो 1.1 पर कैश आउट कर लिया है और ये 1.3 पर फट भी चुका है। तो इस समय जो इसका ग्राफ जा रहा है वो नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ज़्यादातर वो नीचे ही फट रहा है। तो इस बार मैं देखो फिर से बैलेंस लगाऊंगा। तो इस बार देखो मैंने 50 रुपये लगा दिए, तो देखते हैं इस बार क्या होगा और कहाँ तक जाएगा। तो इस बार भी मैं देखो जल्दी कैश आउट करूँगा, क्योंकि ये 2 तक नहीं पहुँच पा रहा है। और आपको भी इसी प्रकार खेलना है, अगर इसका ग्राफ ऊपर जाने लगे तभी आप रिस्क लें, और रिस्क तभी लें आप पहले इसमें बिनिंग कर लें, अन्यथा आप लॉस कर सकते हो इसमें। तो देखो इस बार मैंने 1.3 पर कैश आउट कर लिया है, तो फिर भी देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो इस बार देखो 2 से निकल चुका है, तो 2.3 पर फट भी चुका है देखो। तो इस बार मैं फिर से देखो आपको बेट लगा कर दिखाऊँगा, अगर ये 20 तक पहुंच जाता है तो जो 20 तक कैश आउट नहीं करता उन्हें सभी को जैकपॉट मिलता है इसमें। अगर आपको इसमें जैकपॉट लेना है तो इसमें काफ़ी रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 तक पहुंचना होता है इसका। और जैसे कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि आप रिस्क तभी लें तब पहले इसमें बिनिंग कर लें आप, धीरे धीरे पहले इसमें बिन करने के बाद आप बाद में रिस्क ले सकते हैं कुछ पैसों का। तो इस बार देखो मैंने 50 रुपये का बेट फिर से लगा दिया है, तो इस बार देखते हैं कितनी ऊँचाई तक जाएगा। तो इस बार मैंने देखो 1.7 रुपये कैश आउट कर लिया है, मेरे 50 रुपये लगे हुए थे, 85 मिले। तो और देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा इस बार। इस बार लगता है ये ज़्यादा ऊंचा जाएगा, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं गया, 2.94 ही फट चुका है। तो इस समय इसका जो ग्राफ है वो नीचे ही जा रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। तो 2.3, 2.9 बस यहीं तक पहुंच रहा है, अभी 3 से ऊपर नहीं गया एक बार भी। और देखो बस एक बार पहुँचा हुआ है 4.69, बाकी नहीं गया। तो इस बार भी मैंने 50 रुपये लगा दिए, इस बार देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो इस बार भी मैं जल्दी ही कैश आउट करूँगा, क्योंकि अभी ग्राफ इसका नीचे जा रहा है और ये ऊपर जाने लगेगा, फिर मैं बाद में रिस्क लूँगा। और आपको भी तभी रिस्क लेना है इसका ग्राफ ऊपर जाने लगे। तो इस बार देखो मैंने 1.6 पर ही कैश आउट कर लिया है, क्योंकि इसका ग्राफ अभी नीचे जा रहा है। तो देखो 2.1 पर ही फट चुका है, अगर मैं कैश आउट नहीं करता तो मेरा लॉस हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस गेम को कैसे खेलना है। तो मैं वीडियो यहीं क्लोज करना चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।